अगर आप दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की जो है वो फॉर्म फिलअप किए हो और अगर उसकी जो है वो तैयारी के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पे जो है वो टेस्ट बुक से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस होती रहती हैं, तो आप जिस भी एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे जो है वो उसका मॉक टेस्ट देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाना चाहूँगा कि क्या किसके एग्जामिनेशंस की आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाती है। तो जैसे शुरू से शुरुआत करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है वो DSSSB JEE की यहाँ पे आप देखोगे तो 198 टोटल टेस्ट आप सभी को देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर आप जो है वो DSSSB TGT मैथ्स की देखते हो तो 204 जो है वो आपको टेस्ट में देखने को मिल जाते हैं। ओके, उसी तरह ऐसे आप स्क्रॉल कर करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप चाहे तो देख लो। ओके, यहाँ पे जो है वो TGT हिंदी यहाँ पे 163 टेस्ट, यहाँ पे पटवारी में टोटल 10 ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है। DSSSB साइंस नेचुरल साइंस का है यहाँ पे 203 है। ओके, उसके बाद JEE वाला भी है, AE सिविल भी है। ओके, और यहाँ पे PRT असिस्टेंट इसका है तो इसमें आपको 219 टेस्ट मिल जा रही हैं। ओके, यहाँ पे सोशल साइंस है तो यहाँ पे जो है वो 227 है। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए जो है आप यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकते हो टेक्स्ट बुक ऐप से। ओके, सो आप जो है वो अगर इसकी तैयारी करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर सपोज़ मैं कोई भी एक जो है वो एग्जांपल ले लेता हूँ, जो भी जितने भी सारे टेस्ट हैं, तो यहाँ पे मैं DSSSB PRT की असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की देख रहा हूँ। ओके, ये मैंने बस ऐसा रैंडम उठाया है। ओके, सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन आप सभी को मिलता है। तो यहाँ पे जो है वो आपको प्रीवियस ईयर का कॉम्बिनेशन मिलेगा कि ओके प्रीवियस ईयर कितने हैं। उसके बाद जो है वो आप सभी को मिलेगा कि मॉक टेस्ट कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, तो आपको 6 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। 86 जो है वो चैप्टर वाइज टेस्ट, 60 सब्जेक्ट टेस्ट, 10 सेक्शनल टेस्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट 21 फुल टेस्ट, क्योंकि फुल टेस्ट से ही जो है आपको आपके जो है वो पोटेंशियल पता चल पाती है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप फुल्ली प्रिपेयर करना चाहते हो तो इससे टेस्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर आप बस टाइम पास करना चाहते हो तो प्लीज़ टेस्ट बुक ऐप को इंस्टॉल मत करना। ओके, ये फुल टाइम ऑफ वेस्ट हो जाएगा आपके लिए। तो देखो आप यहाँ पे जो है वो अभी अनलॉक की ऑप्शन आ रही है, मींस अभी जो है वो यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस ईयर का देख रहा हूँ तो अनलॉक टेस्ट लिख रहा है। तो अनलॉक टेस्ट है कि इसका मतलब टेस्ट बुक आपको पास परचेज करना पड़ेगा, आप जो है वो फुल टाइम इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो। लेकिन कुछ टेस्ट आपको फ्री में भी मिलती हैं। फॉर सपोज़ यहाँ पे आप देखो कि एक टेस्ट फ्री है, 2, 3 और यहाँ पे जो है वो 4, 5, 6 टेस्ट अभी आपको फ्री में दी जा रही है मॉक टेस्ट। ओके, चैप्टर वाइज टेस्ट देखोगे तो कुछ फ्री हैं और कुछ जो है वो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए आपको कोई भी फ्री नहीं है, फुल टेस्ट में एक फ्री है। ओके, और बाकी सभी के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। सेक्शनल टेस्ट के लिए भी कुछ ऐसा ही है कि सभी के लिए जो है पैसे देने पड़ेंगे। तो ये अनलॉक टेस्ट क्या होगा, इसकी टेस्ट बुक की जो प्राइसिंग डिटेल्स है उसके बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ। अगर मैं टेस्ट बुक के प्राइसिंग डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टेस्ट बुक का लाइफ टाइम पास है वो 599 का पास है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो यानी कि 3 ईयर्स का पास 599 में मिल रहा है, और ये जो है वो गोल्डन ईयर पास अराउंड जो है वो 18 मंथ्स का पास आपको मिल रहा है 399 में, और मंथली पास जो कि 30 डेज का पास है वो 299 में, और 7 डेज का 249 में। ओके, तो सबसे घटिया जो है वो 7 डेज वाला आप समझ सकते हो कि 7 दिन के लिए भाई अगर 249 कोई आपसे मांग रहा है तो उससे बेटर है कि आप जो है वो 1 ईयर वाला ले लो या फिर मंथली पास ले लो। लेकिन ये दोनों बकवास है, ये दोनों को कभी आप परचेज ना करें क्योंकि इसमें आपका घाटा ही है। तो आप जो है वो अगर पास लेना भी चाहते हो तो ये वाला ये वाला ले लेना। ओके, लेकिन यहाँ पे जो प्राइसेस आपको दिखाई दे रही हैं 599 और 399, इसमें मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा जिसको अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हो, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो पास वाले सेक्शन में आके यहाँ पे अप्लाई कूपन पे टैप करना है और कूपन कोड इंटर कर देना है। कूपन कोड है 66TWX3। जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेज जो है घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेज दिखाई दे रही थी 600 अराउंड, मीन्स 599, सो घट के जो है वो आपको यहाँ पे 540 हो गई। यहाँ पे जो प्राइसेज दिखाई दे रही थी 399, सो घट के 360 हो गई, और यहाँ पे जो 299 दिखाई दे रही थी सो घट के 270 हो गई। ओके, और 7 डेज़ वाला भी पास है तो ये तो फालतू है, प्लीज़ आप 7 डेज़ वाला और मंथली वाला लेना ही मत। लेना भी होगा तो आप जो है वो 3 ईयर्स वाला लेना या फिर 1 ईयर वाला लेना। ओके, अगर आपको पूरा कन्फर्म है कि 1 साल से ज़्यादा आपको तैयारी नहीं करनी है तो आप जो है वो 1 ईयर वाला पास परचेज़ करना, जैसे यहाँ पे अभी प्राइस इसकी वैरी करती रहती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, लेकिन आप जो है वो मींस 1 ईयर वाला मिनिमम लेना ताकि आपको बेनिफिट हो, और
नहीं तो आप चाहे तो लाइफ टाइम वाला ले सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट समझते हैं कि एक बार वो पास परचेज़ करेंगे तो किसी एक ही एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जो अगर टेक्स्ट बुक का एक बार पास परचेज़ करते हो तो जितने एग्जामिनेशन हैं उन सभी की तैयारी कर सकते हो आप। ओके, जैसे मैं आपको कौन कौन सी एग्जामिनेशन आप इस पर दे सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पर SSC की सारी एग्जामिनेशन हो गई, SSC की जितनी भी एग्जामिनेशन आती हैं वो सभी की आप प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हो। बैंकिंग की एग्जामिनेशन की कर सकते हो, टीचिंग एग्जामिनेशन की कर सकते हो, सिविल सर्विसेज, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए उतना अच्छा नहीं है, रेलवे के लिए बहुत अच्छा है। ओके, इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए भी अच्छा है, डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए भी अच्छा है। ओके, कुछ स्टेट्स इंजीनियरिंग स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी है। ओके, तो ऐसे ही जो है बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर सकते हो एक ऐप से। लेकिन यहाँ पे आपको देख लेना होगा किसी भी पास किसी भी टेस्ट के लिए, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप पास परचेज कर रहे हो तो उससे पहले देख लेना कि उसमें कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट हैं और मीन्स कैसा उसका लेवल है। ओके, मीन्स आप एक दो उसका फ्री वाला टेस्ट देख लेना। ओके, और अगर मोर देन 100 अगर टेस्ट हो तभी जो है आप उसका पास परचेज करें। मींस अगर आप एक बार पास कर परचेज करते हो तो जितने एग्जामिनेशन हो सभी की तैयारी कर सकते हो। तो इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे SSC CGL हो गए, तो CGL में यहाँ पे मैं टैप करता हूँ तो देखिए बहुत सारे आपको टेस्ट दिखाई देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो है वो फुल टेस्ट दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे 548 टेस्ट हैं। तो CGL के लिए, SSC, बैंकिंग, रेलवे, इन सभी के लिए अनडाउटेडली ये जो है वो बेस्ट है टेस्ट बुक का। इससे आप बेफिक्र अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ऐसे ही जो है वो अगर आप एक बार पास परचेज करोगे तो आप अपने किसी दोस्त या भाई बहन के साथ जो है वो एक ही पास से शेयर करके अपनी तैयारी कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड आई होप कि ये जो ऐप है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी तैयारी करते हैं और जिनका एग्ज़ाम भी जो है वो क्वालिफाई होता है, क्योंकि इसका जो लेवल है टेक्स्ट बुक ऐप का वो कहीं ना कहीं मिलता ही है किससे, तो जो एक्चुअल एग्ज़ाम होती है उन सबों से। ओके, तो इसलिए जो है वो आप इसे चूज़ कर सकते हो। और आई होप कि आपको जो है सारी बातें समझ में आ गई होंगी।